हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मुझे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और बहुत सारा सर्च करने के बाद गूगल में सर्च करते करते मुझे इसका सलूशन मिला। और इसका सलूशन मिलते मिलते मुझे लगभग 2 से 3 घंटा मुझे समय नुकसान करना पड़ा गूगल में सर्च करते करते। तो जैसे मुझे इसका सलूशन मिला तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करते हैं कि कैसे सलूशन मिला। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी ड्राइवर जिसका सिग्नेचर लॉस कर गया, और सिग्नेचर लॉस करने का मतलब ये है कि वो ड्राइवर पुराना हो चुका है और उसका जो कंपनी है उस ड्राइवर को रिन्यूअल नहीं कराया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका ड्राइवर का सिग्नेचर जो है वो एक्सपायर कर जाता है। तो उस ऐसे समय में क्या होता है कि आपका मैसेज आने लगता है कि द थर्ड पार्टी INF डज नॉट कंटेन डिजिटल सिग्नेचर इंफॉर्मेशन ना। तो ऐसे में आपका ड्राइवर कभी इंस्टॉल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें कंप्यूटर में ब्लॉक करना पड़ेगा कि हमें सिग्नेचर चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखिए इसमें कैसे किया जाता है। और ज़्यादातर मुझे ये प्रॉब्लम मिला था जब माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करते हैं ना, तो उसमें आप यूज़ करते हैं USB ASP वाला बर्नर, ये जो दिख रहा है इमेज में ये वाला यूज़ जब करते हैं, तो इसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत होती है। और जब आप इसको ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। और यहाँ पे आप जब डिवाइस मैनेजर पे देखेंगे तो इस तरह से पीला करके वार्निंग देता है, तो ये प्रॉब्लम आती है और ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है। इसमें देखिए दो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप डिवाइस मैनेजर से जाके अगर आप ड्राइवर को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे USB ASP पे आपने राइट क्लिक किया, फिर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक किया, तो यहाँ जब क्लिक करते हैं आप, फिर यहाँ पे आएगा हाउ डू यू वांट टू सर्च फॉर ड्राइवर। इसमें दो ऑप्शन आएंगे। ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा। और देखिए इसमें लिख के आ रहा है विंडो वॉज अनेबल टू इंस्टॉल योर USB ASP ड्राइवर। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये आएगी जब आप USB ASP ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा। इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि ये कहेगा थर्ड पार्टी INF डोज नॉट कॉन्टेन डिजिटल सिग्नेचर, और आप जब भी इंस्टॉल करेंगे यही मैसेज आएगा और आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। ये सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आपको सेटिंग में जाना है, चेंज एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन। आप एडवांस लिखिए तो ऑप्शन में आ जाएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा रीस्टार्ट। इस रीस्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, आपका कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होगा, बंद हो गया फिर चालू होगा। विंडो रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑप्शन आएंगे, इसमें ट्रबल शूट पे आप क्लिक कीजिए, फिर इसके बाद एडवांस ऑप्शंस और यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये लिस्ट आएगा, लेकिन इसको चेंज करने के लिए आपको रिस्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दीजिए, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद आपको जो ऑप्शन है ना वो नंबर नंबर के साथ दिखेगा, लाइंस जो है। तो इसमें देखिए नंबर 7 जो दिख रहा है ना, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट, तो यहाँ पे नंबर 7 का मतलब है कि 7 नंबर को आपका जो बटन है ना कीबोर्ड में आपको बटन 7 को दबाना होगा। तो यहाँ पे देखिए बटन को आप 7 दबाइए, ये बटन 7 आप दबा दिए, तो ये एक बार फिर से रिस्टार्ट होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ड्राइवर सिग्नेचर को डिसेबल करने के बाद आप ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने से मैं आपका ये दो ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर क्लिक कर लीजिए। और इसको क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये आएगा,
यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, और बस हो गया। अब यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आप देखिए ये वार्निंग जो येलो कलर का था वो चला गया और आपका ड्राइवर एक्टिवेट हो गया कम्प्लीटली। इसका ड्राइवर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।